हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं डॉक्टर मयूरी अवार्ड, आयुर्वेद गायनक कंसल्टेंट फ्रॉम डॉक्टर अवार्ड्स धनवंतरी आयुर्वेद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आशा करती हूँ कि आप सब इस कोरोना के समय में स्वस्थ होंगे। आज ये वीडियो बनाने का रीज़न है कि बहुत सारे पेशेंट्स के कॉल आ रहे हैं डेली कि रिगार्डिंग वैक्सीनेशन, बहुत सारे उनको क्वेरीज है, क्वेश्चंस है। तो मैंने सोचा कि कुछ ना क्यों ना हम ये वीडियो बनाया जाए ताकि सभी क्वेश्चन जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है उन सभी के जवाब आपको एक ही वीडियो में मिल जाए। तो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमेशा पूछा जाता है वो है कि क्या वैक्सीनेशन लेना ज़रूरी है। तो डेफिनेटली वैक्सीनेशन करना ज़रूरी है, क्योंकि हमें ये पता नहीं कि कोरोना कब तक चलेगा, कितने दिन चलेगा, ये हमें पता नहीं। तो इट्स बेटर टू गेट वैक्सीनेटेड, क्योंकि अगर आप वैक्सीन्स लेंगे तो एंटीबॉडीज बॉडी में तैयार हो जाते हैं विच विल एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव शील्ड, ताकि अगर आपको आगे चल के कोरोना हुआ भी तो भी आप सीवियर सिम्टम्स नहीं कैरी करेंगे, उससे बिल्कुल माइल्ड सिम्टम्स आएंगे और इट विल एक्ट एज अ लाइफ सेविंग ड्रग। सो इट्स बेटर कि आप वैक्सीनेशन ले सकते हैं। सेकेंडली आस्क्ड क्वेश्चन इज़ कि अभी जो हम सोशल मीडिया पे पढ़ रहे हैं, व्हाट्सएप या फिर फेसबुक पे पढ़ रहे हैं कि वैक्सीनेशंस के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो इसके कारण भी बहुत पेशेंट्स पूछते हैं कि मैडम साइड इफ़ेक्ट्स है तो क्यों लेना है वैक्सीनेशंस। तो साइड इफ़ेक्ट जो हम पढ़ रहे हैं वो दो टाइप्स के, कि बहुत लोगों में ये गलतफहमी होती है कि आफ्टर वैक्सीनेशन जो बुखार आता है या फिर बॉडी एक होता है, बहुत लोगों को सिर दर्द होता है, वीकनेस होता है, ये एक टाइप के जो ड्यूरिंग आफ्टर वैक्सीनेशन जो कंप्लेंट्स हैं इसको भी लोग साइड इफ़ेक्ट बोलते हैं। तो लेट मी क्लियर कि ये जो सब कंप्लेंट्स है वो साइड इफ़ेक्ट नहीं है, वो आप वैक्सीनेशन लेने के बाद में बॉडी का उसके ऊपर जो काम करना चालू होता है वो बॉडी का रिस्पॉन्स होता है उसके ऊपर। जैसे कि अगर हम देखें बचपन में जो बच्चे होते हैं छोटे, जो जब हम रहते हैं तो बच्चों को हम वैक्सीनेशन BCG वैक्सीन देते हैं तो उनको भी बुखार आता है, 2-3 दिन में चला जाता है। वैसे ही अगर कोई भी वैक्सीन हम ले तो इट्स नॉर्मल कि कुछ ना कुछ बॉडी में रिएक्शन या फिर एक्शन हो रही है तो उसके कारण बुखार आ रहा है। तो ऐसे बुखार में इट्स नॉर्मल, ये साइड इफ़ेक्ट नहीं कंसिडर होगा। और सेकेंड साइड इफ़ेक्ट जो है, जो हम बहुत कॉमनली सुन रहे हैं अभी, कि वैक्सीनेशन के बाद में जो है कि ब्लड में क्लॉट्स हो रहे हैं या फिर किसी को पैरालिसिस होता है, या फिर रूरल एरियाज़ में ये भी रूमर स्प्रेड हुए हैं कि अगर वैक्सीन लेंगे तो आदमी मर जाता है, ऐसे भी हमें सुनाई दे रहा है। तो ऐसे जो है ये जो रूमर्स, देखा जाए तो साइंटिफिकली एविडेंस बेस्ड इसके ऊपर कुछ एज सच स्टडी हुआ नहीं है, क्योंकि इंडिया में जो वैक्सीनेशन चालू है तो उसमें ऐसे कुछ भी पाया नहीं गया है, और अगर हुआ भी होगा तो वेरी रेयर केस में, मतलब 0.01% ऐसा हुआ होगा, लेकिन साइंटिफिक ऐसे कुछ प्रूवन नहीं है। तो वो 0.01% के ऊपर सोचना है या फिर 99% अगर वो प्रोटेक्टिव जैसे काम करेगा उसके ऊपर सोचना है, इट्स योर चॉइस। थर्ड क्वेश्चन इज़ कि बहुत लोग अभी आफ्टर 18+ का जो वैक्सीनेशन चालू हुआ तो बहुत लोग पूछते हैं कि मैम ड्यूरिंग पीरियड्स वैक्सीनेशन लेना चाहिए या नहीं। वो हम लोग एक इमेज पढ़ रहे हैं कि पीरियड्स के दरम्यान नहीं लेना चाहिए वगैरह, तो एज सच उसका भी कुछ रिलेशन नहीं है वैक्सीनेशन के साथ में। आप ड्यूरिंग पीरियड्स ले सकते हो, लेकिन अगर आपको ड्यूरिंग पीरियड्स हैवी ब्लीडिंग होता हो या फिर सीवियर हेडेक होता हो, वीकनेस महसूस कर रहे हो या फिर डिहाइड्रेटेड ज़्यादा लग रहा हो, तो अगर ये कंप्लेंट्स होंगे देन यू शुड स्किप दीज डेज एंड आफ्टर दैट यू कैन टेक वैक्सीनेशन। और अगर ऐसे कुछ भी कंप्लेंट्स नहीं होंगे तो आप वैक्सीनेशन ले सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन इज जो लोगों की दवाइयाँ चालू है, जैसे डायबिटीज़ की हो, BP की हो, या फिर बहुत सारे लोगों को DVT है, यानी कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस की कंप्लेंट होती है, जो क्लॉटिंग ब्लड क्लॉट के रिलेटेड जो डिसीजेस होती है, तो उनके जो मेडिकेशंस चालू है, या फिर बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि हम प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो ऐसे केसेस में वैक्सीनेशन लेना चाहिए या नहीं। तो हाँ, ये सेफ है, आप वैक्सीनेशन ले सकते हो, लेकिन ये जो आपका BP कंट्रोल में हो या फिर शुगर कंट्रोल में हो, एवरीथिंग अगर नॉर्मल लिमिट्स में हो तो आप वैक्सीनेशन करवा सकते हो। एंड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, जैसे कि
ब्लड रिलेटेड जो है डिसीजेज जैसे DVT है, तो ऐसे केसेस में आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि आप वैक्सीनेशन लेने से पहले CRP जो ब्लड टेस्ट है यानी कि सी रिएक्टिव प्रोटीन वो आप करवा लीजिए। अगर वो बड़ा हुआ होगा तो आप वैक्सीनेशन लेने से पहले किसी भी डॉक्टर से एडवाइस कर लीजिए और फिर वैक्सीनेशन लीजिए। दिस विल बी माई एडवाइस। फोर्थ थिंग इज, बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि वैक्सीनेशन जो है वो कौन सा लेना चाहिए। अभी हम देख रहे हैं मार्केट में बहुत सारे वैक्सीन्स अवेलेबल है, जैसे कि कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, अभी स्पूतनिक की भी आई है वैक्सीन, अभी और सारी वैक्सीन आने वाली है, तो कौन सा लेना है। तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि ये बारे में सोचने से अच्छा कि आप जो भी वैक्सीन्स अवेलेबल है वो लीजिए, जो आपके नज़दीक के सेंटर्स पे अवेलेबल है वो ले लीजिए, उसमें आपको चॉइस नहीं है। क्योंकि देखो जो भी वैक्सीन अभी है वो सब साइंटिफिकली उसका ह्यूमन ट्रायल, एनिमल ट्रायल सब स्टडीज हो चुके हैं और तभी हम लोगों के लिए वो अवेलेबल की है। तो इसीलिए ड्यू टू लैक ऑफ अवेलेबिलिटी अब हम देख रहे हैं कि वैक्सीन्स मिल ही नहीं रहे, तो उससे कुछ ना लेने से अच्छा कुछ तो लीजिए। सो बेटर प्रेफर जो आपके नज़दीक पे के सेंटर पे जो भी वैक्सीन अवेलेबल होगा यू गो एंड हैव दैट। सो इट्स बेटर कि विदाउट टेकिंग एनी चॉइसेस कि कौन सी अच्छी है कौन सी नहीं, सभी वैक्सीन्स अच्छी है, सब आपको प्रोटेक्ट करने वाली है। सो वैक्सीनेशन एज अर्ली एज पॉसिबल जो आपके सेंटर्स पे नज़दीक में अवेलेबल होंगे वो वैक्सीनेशंस आप करवा लीजिए। लास्ट क्वेश्चन एक जो कॉमनली पूछा जाता है कि वैक्सीनेशन कहाँ पे करवाना चाहिए, गवर्नमेंट में करें या फिर प्राइवेट में करें। ये भी बहुत लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि गवर्नमेंट में अगर करेंगे तो वहाँ पे अच्छा रहेगा या फिर प्राइवेट में करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो एट सच आप किधर भी वैक्सीनेशन लीजिए, सभी सेंटर्स पे इक्वल सेम वैक्सीनेशन अवेलेबल है, चाहे आप गवर्नमेंट में लो या फिर प्राइवेट में लो। लेकिन मेरी ये इंडिविजुअल ये सजेशन रहेगा कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग प्राइवेट में वैक्सीनेशन लीजिए। क्योंकि देखो ये पेंडेमिक है, बहुत हमारे देश में बहुत सारे लो सोशो इकोनॉमिक के लोग रहते हैं, तो जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो लोग अगर आप लोग प्राइवेटली लोगे तो वो लोग वहाँ पे गवर्नमेंट में अफोर्ड वहाँ पे वैक्सीन उनके लिए अवेलेबल हो जाएगी। तो इसीलिए समझदारी से काम कीजिए और वैक्सीनेशंस आप अफोर्ड कर पाएंगे तो प्राइवेटली लीजिए, ताकि जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे उनके लिए गवर्नमेंट में वैक्सीन्स अवेलेबल हो जाएंगी। ओके, लास्ट थिंग इज पोस्ट वैक्सीनेशन केयर। ये भी एक आजकल का इम्पॉर्टेंट हो चुका है टॉपिक, क्योंकि ये सेकेंड वेव का रीज़न भी, वन ऑफ द रीज़न हम बोल सकते हैं कि बहुत केसेस में ऐसे दिखाई दे रहा है कि आफ्टर हैविंग फर्स्ट डोज बहुत लोग पॉजिटिव आए। तो बहुत लोगों का ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि वो डोज वैक्सीन लेने से ही लोग पॉजिटिव आ रहे, तो आई डोंट थिंक कि ये एग्जैक्ट रीज़न है। लेकिन क्या होता है कि पोस्ट वैक्सीनेशन प्रॉपर केयर नहीं लेते लोग। लोगों को लगता है कि एक बार वैक्सीनेशन कर ली मैंने तो बस अभी कोरोना नहीं होने वाला, तो ऐसे कुछ नहीं है। आफ्टर वैक्सीनेशन भी आपको जो आप पहले केयर लेते हो, जैसे कि मास्क पहनना है, सैनिटाइज करना है, और जो भी आपको प्रिकॉशंस बताई गई है वो सब आपको आफ्टर वैक्सीनेशन भी फॉलो करनी ही है, ये बिल्कुल ध्यान में रखिए। और बाकी पोस्ट वैक्सीनेशन केयर एज सच कुछ नहीं है। अगर 2-3 दिन आपको कुछ बुखार आए या फिर कुछ बॉडी एक हो रहा हो, हेडेक हो रहा हो, तो आप आराम कर सकते हैं 2-3 दिन, टेक कंप्लीट रेस्ट। और कुछ ज़्यादा महसूस हो रहा हो, वो टॉलरेबल नहीं हो, तो आप घर पे अमृतारिष्ट या फिर संशमनी वटी ऐसे दवाइयाँ आप ले सकते हो। और आपके पास वो भी कुछ अवेलेबल नहीं होगा तो प्लेन पैरासीटामोल भी आप ले सकते हो, उससे आपको आराम लगेगा। और सेकेंड थिंग, ड्यूरिंग आफ्टर वैक्सीनेशन अगर आपको टेम्परेचर वगैरह हो तो उस दरम्यान आपने बिल्कुल लाइट डाइट लेना है, कुछ हेवी वगैरह नहीं खाना है। बस यही जो कॉमन क्वेश्चंस है वो आंसर करने थे मुझे। और इसके अलावा अगर आपको कुछ डाउट्स होंगे तो मुझे ज़रूर पूछिएगा, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। और आई होप कि मैंने आपके सवालों के अच्छे से जवाब दिए हैं और आपको बहुत सारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर जो भी कुछ क्वेरीज होगी वो सॉल्व हुए होंगी, ऐसी आशा करती हूँ। एंड थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।
बी पॉजिटिव एंड स्टे निगेटिव।